आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ईथर का एडवांटेजेस है। तो इसका आंसर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ईथर क्या है। ईथर एक इनहेलेशन एनेस्थेसिया है, यानी कि सूंघ कर लिया जाने वाला एनेस्थीसिया ड्रग जो हमारे माइंड को अनकॉन्शियस कर देता है, यानी कि बेहोश कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ईथर लेने से पहले किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि और भी दूसरे एनेस्थीसिया में लेनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। बाकी के इसके जो हैं बी सी और डी ऑप्शन, ये इसके डिसएडवांटेज हैं, ए जो है इसका एडवांटेज है। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ईथर का डिसएडवांटेज है। तो जैसा आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि आपसे ईथर का एडवांटेज पूछा गया था और इस क्वेश्चन में ईथर का डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है, तो कोई एक ऑप्शन जो है डिसएडवांटेज है और बाकी के तीन ऑप्शन एडवांटेज हैं। चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ए सी और डी है, यानी कि ये जो ऑप्शन है जिसमें हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है, ब्रिलियंट एनाल्जेसिक लिखा हुआ है और इकोनॉमिकल लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ईथर के एडवांटेजेस हैं। जो ऑप्शन बी है जिसमें लिखा हुआ है क्रॉस टॉलरेंस विथ इथाइल अल्कोहल, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें होता क्या है कि इथाइल अल्कोहल क्या है, शराब है, और जब कोई ऐसा पेशेंट जो कि अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करता है, उसे हायर डोज देना पड़ता है ईथर का उसको एनेस्थीसिया में लाने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एनेस्थीसिया का। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो रहा है, क्रॉस टॉलरेंस विथ इथाइल अल्कोहल। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शन है और ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन जो डाइल इथाइल ईथर का 96 से 98% होता है। यानी कि नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कोई तीन जो है वो एनेस्थेटिक के कैटेगरी में है, और सोडा लाइम ग्लास एनेस्थेटिक के कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि ये ग्लास का प्रकार है। तो सी ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अब जो तीन ऑप्शन बचा है ए बी और डी, इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक जो है डाइल इथाइल ईथर से मिलता है, आइए जानते हैं आंसर। तो जैसा कि आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि जो ईथर एनेस्थीसिया होता है वो डाइल इथाइल ईथर का 96 से 98% होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जो कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हेलोथेन, डीसल्फ्यूरेंस, ये सारे जो हैं मतलब इनहेलेशन एनेस्थीसिया है। और जो सी ऑप्शन है सोडा लाइम ग्लास, ये एनेस्थेसिक एजेंट नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेलोथेन एक प्रकार का एनेस्थेटिक है जो कि सीएनएस को डिप्रेस करता है और हमारे बॉडी को अनकॉन्शियस करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हेलोथेन का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ज़रूर इनमें से तीन उसका एडवांटेज होगा और एक डिसएडवांटेज होगा, आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो इसका डिसएडवांटेज है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इसका सही तरीके से डोज नहीं दिया गया तो कोई भी पर्सन उसे मैलिगेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, यानी कि एक ऐसा डेंजरस कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो अदर ऑप्शन है ए सी और डी, इसके एडवांटेज हैं। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेलोथेन का एडवांटेजेस क्या है। तो इस प्रकार इसमें कोई तीन इसका डिसएडवांटेज होगा और एक एडवांटेज होगा, आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हेलोथेन है इसको देने से पहले किसी प्रकार के पोस्ट वोपरेटिंग और वोमिटिंग ड्रग्स के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो ये इसका एडवांटेज है। और बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि बी और सी और डी, इसके डिसएडवांटेज डिनोट करते हैं, जिसमें कि इसका लो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, रिस्पेक्टेड डिप्रेशन और पोटेंशियल टू इंक्रीज इंटरएक्सल प्रेशर, ये इसके डिसएडवांटेज हुए।
तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे कोई एक ऐसा एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है जिसका 2 से 3% ऑक्सीजन वेपर में लेने पर ये हमारा कॉन्सनेस को लॉस कर देता है, यानी बेहोशी की अवस्था में ला देता है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा एनेस्थेटिक ड्रग्स है जो कि हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है और हमें अनकॉन्सियस करता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप स्किन पर देख रहे हैं कि इसका सही आंसर है हेलोथेन। हेलोथेन एक ऐसा एनेस्थेटिक ड्रग्स है जिसका 2 से 3% अगर ऑक्सीजन वेपर में लिया जाए तो ये हमारे कॉन्सनेस को लॉस करता है। इसके साथ साथ इसका जो पोटेंट है इनहेलेशन का, ये एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में है। सो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन जनरल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि इंट्रामस्कुलर इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में कि जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं उनको गैसियस, इनहेलेशन और इंट्रावेनस टाइप के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन रूट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया नहीं होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर ऑफ्टन यूज फॉर प्री मेडिकेशन ऑफ सेडेशन, यानी कि सेडेशन के रूप में ये प्री मेडिकेशन में हो सकता है लेकिन नॉट फॉर फुल जनरल एनेस्थीसिया, पूरे बॉडी के एनेस्थीसिया के लिए ये नहीं हो सकता। सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है और हार्ट बीट है भी और नहीं भी है, तो इस स्टेज को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर है मेडुलरी डिप्रेशन। यह फोर्थ स्टेज है या फाइनल स्टेज है जनरल एनेस्थीसिया का, जिसमें इस तरह के क्रोनिक स्टेज आ जाते हैं। इसके अलावा जो और भी ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है वो फर्स्ट स्टेज है जिसमें पेशेंट को दर्द महसूस होता है लेकिन वो होश में रहता है। दूसरा है एक्साइटमेंट स्टेज, जहाँ पर उसके इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट और इरेगुलर ब्रीथिंग होने लगती है। और तीसरा है सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये थर्ड स्टेज है जहाँ पर सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनकॉन्शियस के स्टेज को क्या कहा जाता है। तो बहुत आसान सा है, अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जो अनकॉन्शियस स्टेज है उसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनरल एनेस्थीसिया हमारे बॉडी पर किस प्रकार के रूप में काम करती है। क्या ये कंप्लीट बॉडी के लिए है या सिर्फ लोकल एरिया के लिए है, या फिर पार्शियली बॉडी के लिए है, या फिर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी पे जो एनेस्थीसिया काम करती है उसे जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।